हेलो फ्रेंड्स, आइए ज्ञान गार्डन में आज हम एक शब्द को देखें और इससे कुछ सीखें। यह शब्द है जीरो टॉलरेंस। और पिछले कई सालों से, खास करके आप अगर जॉब में होंगे या ग्रोन अप हैं, हायर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में हैं, तो आपने इस शब्द को बहुत सुना होगा। और पूरे भारतवर्ष में खास करके कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़ीरो टॉलरेंस जो वर्ड है, यह जो है एक तरह से इसका एब्यूज ज़्यादा होता है और यूज़ कम होता है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होना। किसके प्रति? करप्शन के प्रति। किसके प्रति? किसी की गलती के प्रति। ओके, आप में डिसिप्लिन की कमी है, डिसिप्लिन को लेकर के हम में ज़ीरो टॉलरेंस है। मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ नो रूम फॉर एनी फॉरगिवनेस। ओके, आपसे थोड़ी भी गलती होगी तो यू मे बी पनिश्ड। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि दे आर स्टिकलर फॉर परफेक्शन। जबकि आप जानते हैं कि परफेक्ट जो है, हो सकता है कि जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो हो, बट जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट परफेक्ट। आइंस्टीन भी परफेक्ट नहीं थे, जितने भी स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, आप यह कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट इनफॉलिबल। एक कहावत ही है कि मैन इज नॉट इनफॉलिबल बाय नेचर। मैन जो है वो क्या है? फॉलिबल है। फॉलिबल मीन्स जो गिर सकता है, जिसमें गिरने की संभावना है, जिससे चूक हो सकती है, जिससे चूक होने की संभावना है। और इनफॉलिबल का मतलब होता है बिल्कुल जिससे कोई गलती नहीं हो। ठीक है, तो ये जो सो कॉल्ड जीरो टॉलरेंस के हिमायती जो लोग हैं, ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम परफेक्ट हैं। अरे भाई, जब सृष्टि में केवल कॉस्मिक इंटेलिजेंस परफेक्ट है तो आप परफेक्ट कैसे हो गए? जो ही आदमी बनता है, जैसे 24 कैरेट गोल्ड की बात आप करें, तो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो बिस्किट के रूप में ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 24 कैरेट गोल्ड कहे कि नहीं, हम में जीरो टॉलरेंस है, तो उसमें थोड़ा भी अगर आपने कुछ नहीं मिलाया तो फिर आप उससे कोई ऑर्नामेंट बना ही नहीं सकते हैं। यानी आप जो ही कुछ बनाते हैं, जो ही कुछ बनते हैं, हाँ, इम्परफेक्शन की गुंजाइश है। और बिना इम्परफेक्शन के एक जो है 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो कोई ऑर्नामेंट में नहीं बदला जा सकता। तो इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए और उन लोगों को भी भूलना नहीं चाहिए। ये अलग बात है। एक आपने सुना होगा शब्द है, स्केलेटन्स इन द कबोर्ड। स्केलेटन्स इन द कबोर्ड का मतलब होता है कि किसी की अलमारी को खोला तो देखा कि उसमें काफ़ी कंकाल भरे हुए हैं। अब जैसे एक मजाक की बात कर लें, तो जिंदगी भर जो करते रहे अहिंसा की बात, जिंदगी भर जो करते रहे अहिंसा की बात, उनकी अलमारी को खोला, उनके अलमारी को खोला तो कंकाल लुढ़क पड़े। सो दिस इज द स्टेट ऑफ जीरो टॉलरेंस इन योर कंट्री। दीज गाइज हु आर, यू नो, प्रिटेंडिंग टू बी जीरो टॉलरेंट आर एक्चुअली जीरो टॉलरेंट टूवर्ड्स यू, बट दे आर, यू नो, 100% टॉलरेंट ऑफ द mistakes, of the frailties, of the omissions and commissions of their near and dear ones. So what kind of zero tolerance is this?
अब जैसे जीरो टॉलरेंस वर्ड की बात आई तो मुझे तो पहले ये लगा कि भाई हिटलर में क्या था, जीरो टॉलरेंस था किसके प्रति, यहूदियों के प्रति। तो जब हिटलर में जीरो टॉलरेंस था तो उसने क्या किया कि सारे यहूदियों का उसने जीनोसाइड कराने का ठान लिया। तो ये जो जीरो टॉलरेंस वाला आदमी होता है दे आर बेसिकली एरोगेंट पीपल, ठीक है। और ये सृष्टि के एक बहुत बड़े फैक्ट को नकारते हैं। तो आयरनिकली विडंबना ये है कि आपके देश में अधिकांश लोग जो हु आर प्रीचिंग जीरो टॉलरेंस, अगर आप उनके आलमीरा को खोल करके देखेंगे दे हैव स्केलेटन्स इन देयर कबर्ड्स, ओके। एंड नीडलेस टू से दैट देयर आर सो मैनी पॉलिटिकल लीडर्स इन योर कंट्री, सो मैनी एडमिनिस्ट्रेटर्स इन योर कंट्री, ओके। ड्यूरिंग माई यू नो सर्विस स्पान आई केम अक्रॉस एन ऑफिसर, ओके। एंड वन डे आई हर्ड हिम यू नो मेकिंग ए स्पीच, मैं बकासुर हूँ और मैं हमेशा भक्षण करता हूँ कुछ यू नो गलत लोगों का, जो मोरली स्लैक हैं वैसे लोगों का, जो करप्ट हैं वैसे लोगों का मैं भक्षण करता हूँ। एंड दे हैपेन टू बी माई फेवरेट फूड। बट अब देख रहे हैं कि वह जो आदमी था जो इस तरह से बोलता था कि मैं बकासुर हूँ, वह जो है ही इज़ यू नो प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द पुलिस, नाउ ही इज़ ए फ्यूजिटिव, ओके। एंड ही इज़ यू नो बीइंग हंटेड बाई द पुलिस ऑफ योर स्टेट। सो दिस इज द स्टेट ऑफ जीरो टॉलरेंस, ओके। सो कुछ भी करें, ये एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो है कि डबल स्टैंडर्ड आप में नहीं होना चाहिए। लेट द फर्स्ट स्टोन बी कास्ट बाई समवन, पहला पत्थर वो हमारे हु हैज नॉट कमिटेड अ सीन, इसने खुद कोई पाप ना किया हो। एंड वी हैव सीन हाउ दिस वर्ड जीरो टॉलरेंस हैज बीन अब्यूज्ड, ओके, बाई सम पीपल इन पावर। आई होप यू हैव liked, यू नो दिस थॉट ऑफ माइंड, एंड यू मे सेंड योर फीडबैक्स एंड सब्सक्राइब टू योर वेरी ओन ज्ञान गार्डन। थैंक यू।